चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुश्तरक इकदाम ना करने तक कश्मीर और फलस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का ओआईसी से खिताब। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल की चेयरमैनशिप एक साल के लिए पाकिस्तान को सौंप दी गई। फजल रहमान की खालिद मकबूल से मुलाकात, एक दूसरे का साथ देने पर इत्तेफाक। सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि एमकेएम के साथ भरपूर हम आहंगी है। तहरीक अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। सरबराह ब्रॉडशीट नवाज शरीफ पर जमात से दस्तबरदार, मुआफ़ी तलब। शहबाज शरीफ का कहना है कि ब्रॉडशीट के सीईओ के इंकशाफात ने नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ मुहिम को बेनकाब कर दिया। पूजा कुमारी का कातिल जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 18 साल पूजा कुमारी को अगवा की कोशिश के दौरान मजाहमत पर कत्ल किया। कत्ल केस में मुलविस दीगर दो मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स with Allstate। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कश्मीर, फ़लस्तीन और इस्लामोफोबिया पर मुस्लिम ममालिक को झंझोड़ते हुए कहा, मिलकर इकदाम ना करने तक कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता। ओआईसी मेंबरान को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद की मंजूरी पर मुबारकबाद देता हूँ। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कश्मीर, फ़लस्तीन और इस्लामोफोबिया पर मुस्लिम ममालिक को झंझोड़ते हुए कहा, मिलकर इकदाम ना करने तक कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता। इमरान खान का कहना था कि 15 मार्च के दिन न्यूजीलैंड की मस्जिद पर हमला और नमाजियों को शहीद किया गया। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की सोच में इजाफा हुआ। इस्लामोफोबिया के नाम पर होने वाले वाक़यात पर दुनिया खामोश रही। अफसोस है, मुस्लिम दुनिया ने भी इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर खामोशी इख्तियार की। दहशतगर्दी के वाक़यात को मुसलमानों को जोड़ने के हवाले से इमरान खान ने कहा कि 1.5 अरब मुसलमानों को दहशतगर्दी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े को फौरी तौर पर मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। कुछ हुक्मरान एतदाल पसंदी का दर्श देते रहे, जिससे जाहिर हुआ इस्लाम का कोई और रंग भी है। इस्लाम का कोई रंग नहीं, इस्लाम सिर्फ एक ही है। उनका कहना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तालीम के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाएं। यह हदीस जानकर चीनी वजीर खारजा भी हैरान होंगे। खवातीन के हुकूक से मुतालिक इमरान खान ने कहा कि रियासत मदीना में तालीम का हुसूल अहम जुज समझा जाता था। इस्लाम ने 1500 साल पहले खवातीन को जो हुकूक दिए, वो यूरोप में 100 साल पहले भी ना थे। 1500 साल पहले इस्लाम ने खवातीन को विरासत में हक दिया था। पाकिस्तान में 70% खवातीन को विरासत में हिस्सा ना मिलने पर हमने कानून पास कराया।
मसले फलस्तीन और कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि हम फलस्तीन और कश्मीर के मामले पर नाकाम हुए। 1.5 अरब आबादी है मगर हम इस काबिल नहीं कि मजालिम को रोक सके। मकबूजा कश्मीर का अक्वाम मुतहदा की करारदादों पर कोई हल नहीं निकाला गया। मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी गैर कानूनी तौर पर ख़त्म की गई। आलमी बिरादरी ने मकबूजा कश्मीर के हल के लिए कभी दबाव महसूस नहीं किया। इमरान खान का मजीद कहना था कि बैन अलाक्वामी कवानीन के तहत किसी खित्ते की डेमोग्राफी की तब्दीली वॉर क्राइम है। भारत और इसराइल दोनों आबादी का तनासुब बदलने पर बज़िद हैं मगर कोई आलमी दबाव नहीं डाला गया। मिलकर इकदाम ना किए गए तो तब तक कश्मीर फलस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता। उन्होंने मजीद कहा, रूस और यूक्रेन तनाज़ा रोकने के लिए चीनी वजीर खारजा से मुलाकात करूंगा। हम इस वक्त एक ख़ास पोजीशन में हैं कि रूस यूक्रेन तनाज़ा रोक सकें। देखा जाए OIC और चीन मिलकर जंग बंदी के लिए कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। वजीर आजम ने तमाम मौजिस मेहमानों को अपने खूबसूरत मुल्क में खुश आमदीद कहते हुए कहा, हम 1.5 अरब की आबादी हैं। हमने कभी अपनी सही वक्त को नहीं पहचाना। किसी ब्लॉक में तकसीम होने के बजाय हमें मिलकर काम करना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, OIC से मुतालबा है इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। OIC से इस्लामोफोबिया के खात्मे में मौसर हिकमत अमली वजह की जा सकेगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि OIC मुस्लिम उम्मा की मुश्तरक आवाज़ है। ये मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती के लिए काम कर रही है। वजीर खारजा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ 15 मार्च का दिन मनाने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी के लिए अहम किरदार अदा किया। उनका कहना था कि फलस्तीन की तरह कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर वाहिद तनाज़ा है। भारत में हिंदुत्व सोच के बायस मुसलमान भी मुश्किलात का शिकार हैं। नाइजर वजीर खारजा ने OIC वज़रा खारजा कौंसिल के इजलास के आगाज़ में खिताब करते हुए कहा, दहाइयों पहले OIC की बुनियाद रखी गई। OIC के 48वें इजलास में सबको खुश आमदीद कहते हैं। OIC वज़रा खारजा कौंसिल की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को सौंप दी गई। नाइजर वजीर खारजा का कहना था कि OIC का मकसद तमाम ममालिक में इस्तेहकाम का फ़रोग है। OIC इजलास के पाकिस्तान में इनेकाद पर मुबारकबाद देते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान MQM क़यादत से मुलाकात के लिए कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद पहुँचे। उन्होंने MQM को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। JUI और अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहे। फजल रहमान ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, MQM के साथ भरपूर हम आहंगी है और मुकम्मल मुतमईन होकर जा रहा हूँ। तहरीक अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। इमरान खान और उनकी जमात के लोग गैर मुनासिब तकारीर कर रहे हैं। इमरान खान और PTI वालों को अमर बिल मारूफ बोलना नहीं आता और वो सरतापा मुनकर हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान तन्हा हो चुके हैं। MQM दफ्तर से मुतमईन होकर जा रहा हूँ। मौजूदा हालात पर अपोजिशन और MQM में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क के किसी भी सियासी जमात के दफातर बंद नहीं लेकिन हमारे हैं। PTI हुकूमत से हमें ये उम्मीद थी कि कम अज कम हमें हुकूमत में रहने का जवाब तो देने देती, लेकिन हमें मालूम हुआ कि बहुत सारे मामलों में वजीर आजम के पास इख्तियारात ही नहीं, तो फिर ऐसी जमहूरियत का हमें भी कोई शौक नहीं। लेकिन मौलाना हमारे पास आए हैं तो हमें उम्मीद है कि उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हम उनका और वो हमारा साथ दें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानिया की ईस्ट रिकवरी ब्रॉडशीट के CEO ने गैर मशरूत तौर पर मियां नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांग ली है। ब्रॉडशीट के सरबरा ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात से कुछ नहीं मिला, नैब ने उन्हें गलत मालूमात दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रॉडशीट के सरबरा कावे मौसमी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ लगाए गए इल्जाम से दस्तबरदार होते हुए उनसे मुआफ़ी तलब की है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ब्रॉडशीट के CEO और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक एसोसिएशन कावे मौसमी ने कहा कि वो 2 दहाइयों तक एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को निशाना बनाने की कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर शर्मसार हैं।
उन्होंने कहा कि वे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए माफी चाहते हैं क्योंकि दो दहाइयों से जारी ब्रॉडशीट की फॉरेंसिक तहकीकात के दौरान नवाज शरीफ या उनकी फैमिली के हवाले से एक रुपए की करप्शन का मामूली सबूत भी नहीं मिला। ब्रॉडशीट ने 1999 में परवेज मुशर्रफ हुकूमत के साथ एक मुहायदा किया था ताकि नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और सिविल और फौजी पस मंजर रखने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों की तरफ से मुबैना तौर पर लूटी गई रकम का पता चलाया जा सके। कौवे मुसवी ने कहा कि ब्रॉडशीट की तहकीकात के नतीजे में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ या उनके खानदान के किसी भी फर्द से मुतालिक बदउनवानी, चोरी शुदा, छुपी हुई या ऐसी दौलत जिसके जराए के मुतालिक ना बताया जा सके, ऐसी दौलत का एक रुपया भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लूटी हुई दौलत तो बहुत मिली, लेकिन मैं तकरीबन 21 साल तहकीकात के बाद कह सकता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे दावे के खिलाफ बात करता है तो वो झूठ बोल रहा है। सखर में पूजा कुमारी कत्ल केस के मरकजी मुलजिम वाहिद बख्श लाशारी को सिविल कोर्ट ने 10 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सखर में पूजा कुमारी कत्ल केस के मरकजी मुलजिम वाहिद बख्श लाशारी को सिविल कोर्ट ने 10 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है मुलजिम ने 18 साल पूजा कुमारी को अगवा की कोशिश के दौरान मज़हमत पर कत्ल किया है। केस से मुतालिक सखर पुलिस ने बताया कि मुलजिम वाहिद बख्श लाशारी मकतूला का पड़ोसी था जो मकतूला को पसंद करता था। सखर पुलिस ने बताया पूजा कुमारी कत्ल केस में मुलविस दीगर दो मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब मकतूला के वर्सा गम से निढाल हैं, उन्होंने हुकूमत से इंसाफ की दुहाई दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ सखर में मुलज़िम वाहिद बख्श लाशारी ने शादी से इनकार करने पर अक़लियती बरादरी की लड़की पूजा कुमारी को कत्ल कर दिया था। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मुखल्लफ किया गया, लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान।